बीते कुछ दिनों में पालतू कुत्तों के हमले के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पालतू कुत्तों ने कहीं किसी बच्चे को घायल किया तो कहीं युवाओं और बुजुर्गों को। इसी तरह का एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पालतू जर्मन शेफर्ड जोमैटो के डिलीवरी बॉय पर हमला करता दिखाई दे रहा है। जैसे ही डिलीवरी बॉय लिफ्ट से बाहर निकलता है, वैसे ही कुत्ता युवक पर अटैक करता है, जिससे डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर चोट लग जाती है। बता दें कि ये वीडियो महाराष्ट्र की बताई जा रही है। पनवेल के इंडिया बुल्स ग्रीन्स मैरीगोल्ड CHS में 28 अगस्त को एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब डिलीवरी बॉय लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले गाजियाबाद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चे को काट दिया था। हैरान और परेशान करने वाली बात ये थी कि बच्चा दर्द से हता रहा, लेकिन महिला ने उसकी कोई मदद नहीं की। 9 साल के बच्चे पर हमला उस वक्त हुआ जब वो ट्यूशन से लौट रहा था। हालांकि बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ नंदग्राम थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने भी खासी नाराजगी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।